तो बहुत सारी चीजों में से एक चीज कल आई थी, वो है ये बच्चों की टॉय, और दूसरी चीज आई है शिवांश की फेवरेट, माय हेडबैंड। यस, कितने दिनों से ये वेट कर रहा था तो फाइनली आ गए। आई डोंट नो ये हाँ पसंद में आए या नहीं, पता नहीं, अच्छा लगे। थैंक यू डैडी। और आदि तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, धीमे धीमे मैं ब्लॉग में बताती जाऊंगी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। 3:30 बज गए हैं, यहाँ पे आदि और शिव आ गए हैं स्कूल से, और यहाँ पे आदि ने शिवंश ने पहन लिया ऑलरेडी आई थिंक ब्लू ने ब्लैक, त्रोन कलर के मंगे हुआ था और रेड ने सारो लागे शिव एक साथ बनाया हुआ था। ओके तो अभी ये एज के बच्चों का ना ये ट्रेंड चल रहा है, तो ये इसको अच्छा है, लग रहा है। व्हाइट वधारे सारो, हां रेड करता व्हाइट और ब्लैक ब्लू के वो हारो लागे, रेड ना सारो लागतो इतलो। यस आदि, आदि ने मैं भी गमता हूं। और बहुत सारे जो है वो जॉगर्स आ गए हैं यहां पे, देखिए कितलू बजु हमारे माटे आयो आज। आज बहुत ही शॉपिंग की मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेनी भी थी। और हां वही वो रहा है यहां पे अनबॉक्सिंग नया नया टॉय शिवांश और आदि का। इसकी एज है 5+, तो नो यस नम 5 यस यू कैन प्ले नाउ देन नो 5+। आदि यू लुक लाइक 6 or 7, डोंट वरी यू कैन प्ले ओके। एनीवे का गवर्नमेंट लॉ नहीं के हैव टू बी, हां वी लीगल वे में ही जाना है सबको। यू कैन आई डोंट यस यू कैन ए बलन के तो तू कर सके। 5+ means 5+ Alright, so today we're unboxing Power Play Tabletop Air Hockey. Right now. Right. Grand reveal. 3, 2, 1 Right, here's the things to play with and instructions. तो फाइनली नया टॉय हमारा हो गया है फिक्स, और ये दोनों खेलना भी ऑलरेडी स्टार्ट। हमारे घर में कोई भी नया टॉय आता है ना, गिरीश पहले उसको ट्राई करते हैं फिर बच्चे ट्राई करते हैं, ऐसा है। आदि ने टोन आप जो के क्या गिरीश एटलू दूर ना आगळ જવાનું હોય। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। याद ना सुबह सुबह आदि भूल गया अपना लंच बॉक्स कार में ही, तो गिरीश घर पे लेके आए उसको। आज वैसे भी स्कूल में जो मिलता है ना वो वेजिटेरियन नगेट्स वही खाना था, तो उसके लिए अच्छा ही है। चलिए आज हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आदि का लंच हो जाए। जो सवार सवार में हमारा नेबर छे ने डिश वॉशर जो आवे हमारा घरे केवू लीधु छे करीने, आपणे इंडिया जाए बधा बाजू वाळाने घरे नवू नवू कंईક વસ્તુ આવ્યું તો હા સો હેપી આને પહેલા માં પહેલા લંચી મૂકવા વાળો છે ઉપર ખાવા તે હોય જ ને ઓ માય ગોડ એવું નહીં આઈ ગયો જો આ બધી જો બાસ્કેટ ઓન બધી આઈ ગયો જો सबसे ज्यादा कंसर्न था प्रॉब्लम आई मीन था कथा को मेरे हाथ से बर्तन धोने में तो फाइनली आ गया। अब कुचाड़वानी ना हो आ मुकवानी हो ये बात तो हवे एना माटे आपणे चांदी नी चमचियो लावी पड़शे। तू मशीन आवी गयो ने एक चांदी नो चमच ले जे करियावर मा हाय राम आजो केवा लेवा करियावर करियावर वो मांग रहे क्या बोलते हैं डावरी सिस्टर कपड़े सुखाने हैं अभी और ये डावरी मांगना स्टार्ट कर दिया है। बताओ डावरी में मैं एक काम वाली लेके आऊंगी अगर मिले निकाल दे आईब्रो करने आए हैं निकाल दे मींस कर दे जल्दी जल्दी टको गंदा नहीं आपो ना भाई नहीं ऐसा नहीं करने का क्या इरादा क्या है तो अभी 2 बज गए हैं और मेरा सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ काम में मैं बिजी हो गई थी यहाँ पे ना, सारे के सारे कपड़े जो है मैं किचन के अंदर ही सुखाने के बाद बाहर धूप में रख देती हूँ। अभी धूप थोड़ी थोड़ी खिलने लग गई है तो बाहर सूख जाते हैं, क्योंकि डोरी पे अगर डालती हूँ ना तो फिर थोड़ी सी बारिश आई तो सारे कपड़े फिर लेने में इतना टाइम चला जाएगा। ये स्टैंड इजी हो जाता है तो आई जस्ट लव दिस स्टैंड क्योंकि कन्वीनियंट। तो बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आई है तो उसमें मैंने सोचा कि आज जो है ना थोड़ी सी कमेंट पड़ी जाए। तो कल श्वेता जी ने बोला था कि कथा के साथ ब्लॉग लेते हो बहुत मजा आता है, आप दोनों बातें करते हो ना बहुत अच्छा लगता है, सो थैंक यू सो मच, कितनी प्यारी सी कमेंट की आपने। और दूसरी कमेंट मुझे ना अभी अभी मैंने पढ़ी और मुझे इतनी हंसी आई कि बात ही मत पूछो। क्या है
मनीषा 1462 ने बताया है जयदीप भाई सच में आने वाले हैं या आप लोग मिलके हमको गुमराह कर रहे हो, फिर बोलोगे अप्रैल फुल, तो कुछ भी हो सकता है, अप्रैल फुल भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, सिर्फ ऐसे मस्ती भी हो सकती है क्या नहीं है आप लोगों को पता चल ही जाएगा, हम लोग कुछ छुपाते तो है नहीं आप लोगों के साथ, तो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि वो लोग आने वाले हैं या मैं जाने वाली हूं या कुछ कोई और ही आने वाला है यहाँ पे यूके में। तो आज कमेंट में बताइए, कल मैं और गिरीश दोनों साथ में मिलके पढ़ेंगे, जो मुझे ना एकदम फनी वाली चाहिए कमेंट आज, एकदम फनी, इतनी फनी कि हंस हंस के ना सबके पेट दुख जाए वैसी कमेंट कीजिए, कोई भी आप मजाक किसी का भी उड़ा सकते हो, मेरा गिरीश का क्विज किसी का भी, बहुत अच्छी सी कमेंट बता दो आज, तो कल वो कंटिन्यू करेंगे। जो दीप्ति पटेल 6542 नाम के पीछे इतने वो हो जाते हैं ना, तो बहुत लंबा हो जाता है नाम, एनीवे तो वो बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, सो थैंक यू तहे दिल से। अपेक्षा ने भी बोला था कि वो दीप्ति पटेल है ना, उसको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी कमेंट तो करती ही है, साथ ही साथ में बहुत सारा मोटिवेट भी करती है, तो थैंक यू सो मच। उन्होंने बोला है कि छोकरा हो तो नाना हो त्या सुधी घर में अस्त व्यस्त रहे, क्लीन करिए तो पण जेवू होय तेवू थई ज जाय भूमि, या दैट्स राइट। और हाँ, भूमि दी गू इज जर्मन वर्ड, इट्स प्रोनाउंस्ड गू इन जर्मन लैंग्वेज, मुझे नहीं पता था, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, अभी आगे से मैं ध्यान रखूंगी, हम लोगों को नहीं पता था। वैसे रील एक ना बीच बीच में स्क्रॉल करते करते आ गई थी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगी, और बाय चांस मैं और कथा जो भी गए शॉपिंग करने तो वो सामने आ गई, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं, और बाय चांस अच्छी भी बनी। आई थिंक कल परसों वो आ जाएगी, क्योंकि लाइन में बहुत सारी रील मेरी पेंडिंग पड़ी है, तो उनमें से आना थोड़ा टाइम लग जा रहा है। नहीं नहीं घर की ही खेती है, डोंट वरी बढ़ जाएंगे बाल आपके। थैंक यू। बालों के बारे में वैसे बहुत कमेंट आई, बोल रहे थे कि आपके बाल जो बड़े लगते हैं ना उनमें थोड़ी सी एज दिखाई दे रही है, छोटे बालों में कम एज दिखाई दे रही है, सो थैंक यू सो मच। आज बालों के बारे में बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, दो दिन से ना पूरा बाल बाल वाला ही वीडियो में आ रहा है। तो चलिए, कमेंट्स तो बहुत ज्यादा पढ़ ली मैंने, और अभी मैं बाहर आ गई ना, तो हमारे बाजू वाले काका जो है वो हुवर चलाने लग गए हैं, लॉन मूवर, हुवर नहीं। यहाँ पे देखिए, हमें भी क्लीन करने का हो ही गया है, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया गए या इंडिया से कोई आया, कुछ भी मेहमान वगैरह आया ना, तो अगर मेरा जो एंट्रेंस है ना पार्किंग वाला वो देखेगा ना, तो यही सोचेगा कि ये कुछ करती भी होगी या नहीं, क्लीनिंग क्लीनिंग, क्योंकि इतना ज्यादा खराब हो गया है ना, लोन वगैरह इतना बढ़ गया है। अभी स्प्रिंग में देख लीजिए, ये पूरा का पूरा काट के सही करना पड़ेगा। अभी इस बार सोच रहे हैं कि इसका रिनोवेशन हो जाए। ये देखो अंकल हमारे लगे हुए हैं, सुबह से ही लगे होते हैं वो क्लीनिंग करने में, क्योंकि यहाँ पे जो रिटायर लाइफ है ना उनमें ये लोग यही करते रहते हैं, पर मजा ही आता है। मुझे तो बहुत पसंद है गार्डनिंग, पर इतना टाइम नहीं रहता। आई विश कि मैं भी इन लोगों के जैसे पूरा दिन गार्डन में पड़ी रहती कुछ ना कुछ करने में। हमारे यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रॉबेरी इतनी रेड, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबेरीज देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी रेड होना स्टार्ट हो गई, एक दो आ भी गई है छोटी छोटी सी, अभी बड़ी होगी या नहीं पता नहीं, दो है अभी इसमें बीच में एक आधी होगी, हाँ यहाँ पे भी है। जल्दी जल्दी से बस आ ही जाओ, और यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अंदर हमारे जो सारे सीड मैंने बोए थे उसके भी छोटे छोटे जो है वो निकलने लग गए हैं प्लांट्स, तो वो भी जल्दी से ग्रो हो जाए। तो बस आज का वीडियो भी थोड़ा छोटा ही होगा मेरा, मुझे लगता है तब तक, क्योंकि बहुत सारा कुछ करने को भी नहीं था, और दूसरे का मैं देखिए मैं अंदर से भी दिखा ही दूँ आप लोगों को, ये टमाटर बोए थे मैंने, और ये सनफ्लावर है, बहुत ही जल्दी से छोटा सा हमारा सनफ्लावर आ जाएगा। और यहाँ पे ये फ्लावर है, ये चिली है, पता नहीं चिली इस साल मेरे को खाने मिलेगी या नहीं, हर साल मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ चिली का जो सीड है वो बोके, पर कभी भी नहीं हुई, एक साल हुई थी इतनी ज्यादा, उसके बाद कभी भी नहीं हुई। और इसमें मैंने एक में पम्पकिन डाला है और एक में कुछ और ही सीड डाला है लाइक मेलन का, तो देखते हैं कौन सा आता है। आई थिंक पम्पकिन का तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे आना हो गया है स्टार्ट, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ, समझे जो भी सक्सेस मिले, जिसमें भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही, वैसे सोच के मैं कुछ ना कुछ तो करती ही रहती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, उसमें से कोई तो चीज सक्सेस होगी, तो उसमें से है एक नाम जो है वो है गार्लिक का। ये मेरी अभी तीसरी बार की हार्वेस्टिंग होगी, मैंने तीन बार ऑलरेडी कट कर ली है
गार्लिक, और अभी भी इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, तो अभी मुझे फिर से ये कट करना है। तो गार्लिक मेरे बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आज मेथी भी डाल ही देती हूँ। तो मेथी जब तक अच्छे से हो जाए तब तक भजिया पार्टी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी मज़ा आता है भजिया पार्टी में गार्डन के, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। स्पिनिच डाली थी ना लास्ट टाइम, तो सारे जो बर्ड वगैरह आता है ना वो खा गए थे, तो स्पिनिच लास्ट ईयर नहीं हुई थी, तो मेथी ज़रूर डालेंगे। तो बस वीडियो का एंड यही पे कर ले रहे हूँ, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी से, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। बाय बाय।